Spring comes to Europe. For centuries, silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route. कई सेंचुरी से ऐसा हो रहा था कि चाइना से सिल्क और स्पाइसेस जो हैं वो यूरोप जा रहे थे सिल्क रूट के थ्रू. इन द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप वाया द सेम रूट. 11th सेंचुरी में जो चाइनीज पेपर था वो यूरोप पहुंचा इसी रूट के थ्रू. पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब. जो पेपर था उसके प्रोडक्शन से क्या फायदा हुआ कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया, जो बहुत ही ध्यान से जो स्क्राइब्स थी उनको लिखा जाया जाने लग गया. देन इन 1295 मार्को पोलो द ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना. 1295 में मार्को पोलो जो एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे वो इटली वापस आए क्योंकि उन्होंने काफी सालों तक चाइना में एक्सप्लोर किया था. एज यू रेड अबव चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. अभी हमने जैसे पहले पढ़ा कि चाइना के पास पहले ही ये तकनीक थी कि वुड ब्लॉक से प्रिंटिंग कैसे करी जाती है. मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विद हिम. अब मार्को पोलो जब वापस इटली गए तो अपने साथ ये नॉलेज ले गए. नाउ इटालियंस बिगन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. अब इटालियंस ने जो है अपनी जो बुक्स थी वो इन वुड ब्लॉक्स की मदद से लिखनी शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजी है ये और बाकी हिस्सों में यूरोप के फैल गई. लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन द वेरी एक्सपेंसिव वेलम मेंट फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स एंड रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज विच स्कॉफ्ड एट प्रिंटेड बुक्स अचीव वल्गैरिटी. जो लग्जरी एडिशंस थे वो अभी भी क्या था, हाथ से लिखे जा रहे थे और उनको लिखा किस पे जाता था, जो काफ होता है उसकी स्किन पे, इसलिए वो बहुत महंगे होते थे और ये सिर्फ और सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक लोगों के लिए या जो बड़ी बड़ी मोनेस्टिक लाइब्रेरीज थी उन लोगों के लिए होते थे. और ये लोग क्या करते थे, ये मजाक उड़ाते थे जो बुक्स प्रिंट हो रही थी सस्ते दामों पे या जो आसानी से मिल रही थी उन बुक्स का ये मजाक उड़ाते थे. मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स बॉट द चीप प्रिंटेड कॉपीज. जो भी मर्चेंट्स थे या जो स्टूडेंट्स थे इन यूनिवर्सिटी टाउन्स में वो क्या करते थे, इन्हीं सस्ती बुक्स को या कॉपीज को खरीदते थे. एज द डिमांड फॉर द बुक्स इंक्रीज बुक सेलर्स ऑल ओवर द यूरोप बिगिन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज. अब जैसे जैसे बुक की डिमांड बढ़ती शुरू हो गई जितने भी बुक सेलर्स थे यूरोप में अब उन्होंने अपनी बुक्स को जो है और अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया. बुक फेयर वो हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह बुक फेयर्स लगते थे. प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड. जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट थी अब उनका प्रोडक्शन जो है उसको भी और तरीके से ऑर्गेनाइज करना शुरू किया गया, नए नए तरीके लगाए गए ताकि जो डिमांड फैल रही है उसको पूरी तरह से कम्प्लीट किया जा सके. स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वर नो लॉन्गर सोली एम्प्लॉयड बाय द वेल्दी या इन्फ्लुएंशियल पैटर्न्स बट इंक्रीजिंगली बाय द बुक सेलर्स एज वेल. जो काबिल कारीगर होते हैं, जो बहुत अच्छे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, अब उनको खाली वेल्दी या इन्फ्लुएंशियल लोग ही नहीं एम्प्लॉय करते थे बल्कि बुक सेलर्स भी अब उनकी डिमांड कर रहे थे. मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर. कई बार ऐसा होता था कि इतने अच्छे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स जो होते हैं इनको या हैंड राइटिंग वाले जो होते हैं लगभग 50 के करीब एक बुक सेलर के पास काम करते थे. बट द प्रोडक्शन ऑफ द हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स. अब ये जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन था इससे जो बुक की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी वो काफी नहीं पड़ रहा था. कॉपिंग वॉज वेरी एक्सपेंसिव लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस. एक जैसे लिखावट को कॉपी करना, एक तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था, उसमें काम काफी लग रहा था यानी मेहनत बहुत पड़ती थी और साथ ही साथ टाइम भी बहुत लग रहा था. मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल ऑकवर्ड टू हैंडल एंड कुड नॉट बी कैरीड अराउंड और रेड इजीली. जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो बहुत ज्यादा डेलिकेट थी, मतलब उनका टूटने के ज्यादा चांसेस थे, उनको हैंडल करना इतना आसान नहीं था या उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे. देयर सर्कुलेशन देयरफॉर रिमेन लिमिटेड. इसी वजह से उनका सर्कुलेशन जो है वो काफी कम रहा या एक लिमिट में एक सीमा तक ही ले जा सकते थे क्योंकि उसके बाद उनके डैमेज होने का डर रहता था. विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ बुक्स वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर. अब जहां एक तरफ जो बुक्स की डिमांड है वो बढ़ती जा रही थी तो जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी अब वो भी जो है और ज्यादा फेमस हो रही थी. बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक्स वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल्स प्लेइंग कार्ड्स एंड रिलीजियस पिक्चर्स विद सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट. 15th सेंचुरी की शुरुआत में देखा जाए तो जो वुड ब्लॉक्स थे अब वो काफी ज्यादा यूरोप में इस्तेमाल किए जा रहे थे, टेक्सटाइल्स को प्रिंट करने के लिए, प्लेइंग कार्ड्स को, जो रिलीजियस रिलेटेड पिक्चर्स होती हैं जिसे थोड़ा सा सिंपल तरीके से टेक्स्ट लिखा होता है वो जो है इस तरह से पॉपुलर हो रही थी. देयर वॉज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट.
अब डिमांड जिस तरह से बढ़ रही थी तो उस वक्त भीड़ ऐसी लग रही थी कि कोई ऐसा मेथड मिल जाए जो ज़्यादा जल्दी से किया जा सके, सस्ता किया जा सके और इन टेक्स्ट को दोबारा प्रोड्यूस कर सके। दिस कुड ओनली बी डन विद द इन्वेंशन ऑफ द न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। अब ये कब हो पाया? जब नई प्रिंट टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ। द ब्रेक थ्रू ऑकर्ड एट स्ट्रासबर्ग जर्मनी वे जॉन गुटेनबर्ग डेवलप द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430s। और ये जो ब्रेक थ्रू है, जैसे कहना चाहिए ये जो नई प्रिंट टेक्नोलॉजी आई, ये स्ट्रासबर्ग में आई, जर्मनी में, जहाँ पे जॉन गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस 1430 में डेवलप करी। गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग वाज़ द सन ऑफ अ मर्चेंट एंड ग्रू अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चर स्ट्रीट। अब गुटेनबर्ग जो है वो एक मर्चेंट के लड़के थे और उनकी एक तरह से जो परवरिश हुई थी वो बहुत बड़े एग्रीकल्चरल स्ट्रीट पे हुई थी। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस। उन्होंने बचपन से ही वाइन और ऑलिव प्रेसेस को देखा था। सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन, बिकम अ मास्टर गोल्डस्मिथ एंड ऑल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लीड मोल्ड्स फॉर यूज फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। धीरे धीरे उन्होंने वहां पर जो स्टोन्स हैं उनको पॉलिश करने की आर्ट सीख ली, बहुत अच्छे गोल्डस्मिथ बन गए, सुनार के जैसे उनको मास्टरी हो गई थी। फिर उन्होंने जो है एक्सपर्टाइज हासिल करी कि किस तरीके से लेड मोल्ड से जो है वो सस्ती झुंझी बना सकते हैं। Drawing on this knowledge, Gutenberg adapted existing technology to design his innovation. अब जो भी उनके पास knowledge थी, उन्होंने जो भी technology चल रही थी, उसका सहारा लेते हुए अपनी इस invention को तैयार किया। The olive press provided the model for the printing press, and the molds were used for casting the metal types for the letters of the alphabet. जो olive press थी, उन्होंने उसी तरह से अपनी बिल्कुल उसी model पे अपनी printing press बनाई, और जो molds वो इस्तेमाल करते थे casting के लिए, उसी में उन्होंने मेटल टाइप्स के लिए लेटर्स बनाए जो कि अल्फाबेट्स उनके ऊपर मेटल्स जो हैं वो अल्फाबेट के लिए यूज किए। बाय 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। 1448 तक आते आते उन्होंने जो भी प्रेस डिजाइन करी थी वो बिल्कुल परफेक्टली बन चुकी थी। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वॉज द बाइबल। सबसे पहली बुक उन्होंने जो प्रिंट करी वो बाइबल थी। अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड एंड इट टुक 3 इयर्स टू प्रोड्यूस देम। लगभग 180 कॉपीज प्रिंट करी गई उस बाइबल की और उसको करने में 3 साल लग गए। बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम दिस वाज द फास्ट प्रोडक्शन। अगर उस जमाने में देखा जाए तो ये सबसे फास्ट प्रोडक्शन था। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाय हैंड। अब ये जो उनकी नई टेक्नोलॉजी आई थी, इससे ऐसा नहीं हुआ कि जो बुक्स बनाई जा रही थी हाथों द्वारा लिखी जा रही थी उसकी जो तकनीक थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया या किनारे कर दिया था। इन फैक्ट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल्ड द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट। ऐसा लग रहा था जो प्रिंटेड बुक्स थी उनको अगर देखा जाए ध्यान से तो बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि जैसे वो हाथ के द्वारा लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, चाहे वो जिस तरह से लिखी गई है या उनका लेआउट जिस तरह से बना हुआ था। द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल। जो मेटल लेटर्स उन्होंने बनाए थे वो बिल्कुल जैसे हम हाथ से एक स्टाइल से लिखते हैं बिल्कुल उसी डिजाइन से उन्होंने अपने मेटल लेटर्स बनाए थे। Borders were illuminated by hand with foliage and other patterns and illustrations were painted. जो borders होते थे किनारे के उसको जो है hand से थोड़ा और चमकाया जाता था, मतलब उनको design किया जाता था, उसमें foliage लगानी है, leaves वगैरह patterns या कोई भी और pattern बना के और जो illustrations थे उनको paint करा जाता था। In the book printed for the rich, space for decoration was kept blank on the printed page. जो रिच लोगों के लिए बुक्स प्रिंट करी जाती थी उसमें जो डेकोरेशन का स्पेस है वो खाली रखा जाता था ताकि वे उस प्रिंटेड पेज पे ईच पब्लिक परचेजर कुड चूज द डिजाइन एंड डिसाइड ऑन द पेंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इलस्ट्रेशन। जो भी उस बुक को खरीदता था अब वो अपने हिसाब से डिजाइन चूज कर सकता था और पेंटिंग स्कूल में जाके उसको ये डिसाइड कर सकता था कि कौन जो है उसका और कैसा इलस्ट्रेशन वहां पर होना चाहिए। इन द 100 ईयर्स बिटवीन 1450 एंड 1550 प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेट अप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। 100 ईयर्स के दौरान यानी 1450 से 1550 की अगर बात करें तो जो प्रिंटिंग प्रेस थी अब वो लगभग यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज में स्टाइल सेट हो चुकी थी। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल टू अदर कंट्रीज सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस। जो जर्मनी के प्रिंटर्स थे अब वो और कंट्रीज में जा रहे थे, वहाँ काम ढूंढते थे और साथ ही साथ नई प्रेस स्टार्ट करने में मदद करते थे। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रू बुक प्रोडक्शन बूम्ड। अब जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस जो है बढ़ने लग गई तो जो बुक का प्रोडक्शन था वो और ज्यादा पीक पर चलने लग गया। द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी saw 20 million copies of printed books flooding the markets in Europe.
सेकेंड हाफ जो सेंचुरी की बात करें, अगर 15 सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ था उसमें लगभग 20 मिलियन कॉपीज जो हैं वो प्रिंटेड बुक्स की वजह से यूरोपियन मार्केट में दिख रही थी। द नंबर वेंट अप टू इन द 16th सेंचुरी टू अबाउट 200 मिलियन कॉपीज, और यही नंबर जो है वो बढ़कर 16th सेंचुरी तक आते आते 200 मिलियन हो गया था। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन। इसी वजह से ये जो एक शिफ्ट हुआ कि हैंड प्रिंटिंग से अब लोग मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ आ गए थे, इसी से प्रिंट रिवॉल्यूशन हो पाया।